तमाम खबरें दिखाएंगे। यानी है आदरणीय बड़े भाई पंडित श्री अमित मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां स्वजन से अथर्व न्यूज परिवार सागर मध्य प्रदेश। टीकमगढ़ जिले के हीरानगर बाबरी से फोर्जरी का मामला सामने आया, जहां पूर्व सरपंच के लड़के ने एक व्यक्ति से लिखा पढ़ी और रजिस्ट्री करके लाखों रुपए का चूना लगा दिया। जब इस संबंध में देहात थाना प्रभारी नसीर फारूकी के पास फरियादी आवेदन लेकर पहुंचा तो उसका आवेदन तो ले लिया गया, लेकिन पूर्व सरपंच के लड़के की गुंडागर्दी के चलते मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, केवल आवेदन लेकर के खानापूर्ति की गई। ऐसे में आम गरीब जनता को कहां तक न्याय मिलेगा? अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद उस व्यक्ति को न्याय मिलता है या नहीं। ऐसे में इन अधिकारियों पर आखिरकार शिकंजा कौन कसेगा, जहां वरिष्ठ अधिकारी इस मामले से अवगत हैं, वहीं तथाकथित अधिकारी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका दीपक, क्या समस्या है, क्या समस्या लेके आप आए? समस्या हमारी ये है कि मैंने कल्याण सिंह यादव ही कांटी वाले के साथ पार्टनरी करी थी, तो मैंने 11,20,000 रुपये नकद उसमें लगाए थे, तो हमारा उनसे वादा 1 जुलाई का था, 1 जुलाई निकल गई है और ना तो भी हमारे फ़ोन उठा रहे हैं और ना कोई बात कर रहे हैं हमसे। उनका मतलब ये है कि हमारा पैसा देना नहीं। आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की? इसकी शिकायत हमने देहात थाने में की है और 181 पर कॉल किया है। देहात थाने प्रभारी ने क्या कहा? टीआई साहब ने ये कहा है कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हम खबरें दिखाएंगे।